आइए जानते हैं बुध ग्रह का 12 राशियों में किस प्रकार का प्रभाव होगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अगर आपका बुध मेष राशि में है तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपके पास बहुत सारे विचार हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं उस तरह की थिंकिंग या थॉट प्रोसेस ला पाते हैं जो इससे पहले कोई ना लाया हो। एक नए सिरे से विचार करने की उनके पास अद्भुत क्षमता होती है, परंतु ऐसे जातकों के पास एक मूलभूत जो कमी है वो ये होती है कि उनके पास विचार बहुत होते हैं और वो एक साथ सभी विचारों पे कहीं ना कहीं कृत्य करना चाहते हैं या एक्शन लेना चाहते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से सही कृत्य या सही एक्शन नहीं ले पाते हैं। ऐसे जातकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने विचारों को संयत कर सकें, क्योंकि विचारों की बहुयात यहाँ पे प्रायः पाई जाती है, और अपने विचारों पे अगर आपका नियंत्रण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप ही के ये उत्पन्न होते विचार आपको कहीं ना कहीं मानसिक रोग या मानसिक समस्याएं दे सकते हैं। क्योंकि ये मंगल की राशि है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो संग हो वो बहुत चुन के होना चाहिए, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है कि वो जिस ग्रह के भी साथ बैठता है उसका खुद का आंतरिक रूप से कोई स्वभाव नहीं होता, वो जिस ग्रह के साथ बैठता उस तरह का स्वभाव वो अपना बना लेता है। जैसे बुद्धि होती है, बुद्धि जब बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं ब्लैंक होती है, कोरी बुद्धि होती है। हम जैसे जैसे जिस तरह की पेरेंटिंग मिलती है, जिस तरह के वातावरण में हमारा बचपन बीतता है, उस तरह की हमारी बुद्धि होती आती है। जैसे हम बड़े होते हैं, जिस तरह के मित्र हमें मिलते हैं, उन मित्रों के माध्यम से हमें एक कहीं ना कहीं जिंदगी का एक नज़रिया मिलता चला जाता है, कुछ इसी तरह हमारा बुध ग्रह है। और यहाँ पे जानने वाला विशेषता ये है कि अगर मंगल पाप ग्रह है चूंकि, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को क्रोध है या उसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं क्रोध समावेशित होता है और उस पर कहीं ना कहीं एक लगाम कसने की या कंट्रोल करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। वृष राशि। जब बुध वृष राशि में संचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा गया है, चूंकि वृष राशि शुक्र की राशि है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग पैसे, व्यापार, इन सब में बहुत प्रवीण होते हैं। पैसे कमाने की अगर कला है तो वृष राशि के बुध जातकों के पास होता है ऐसे लोग। लेकिन कई बार देखा गया है हर चीज को कॉमर्शियल करने की उनके पास एक अद्भुत ताकत होती है। एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में ये बहुत अग्रणी होते हैं। किसी भी चीज का प्रचार या प्रसार अगर आपको कराना हो और अगर बुध आपका वृष राशि में है तो ऐसे जातक को अगर आप अपना प्रचार प्रसार का काम देंगे तो बहुत अच्छी तरह आपके प्रचार प्रसार के काम को वो आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इनके पास जो मार्केटिंग स्किल या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होती हैं। इनके लिए समस्या का विषय बन जाता है इनके खुद के व्यक्तिगत रिश्ते, क्योंकि ये रिश्तों में भी अपनी इनकी बुद्धि का स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं व्यापारिक बुद्धि होती है इनकी, पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यापार नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि भगवान से किसी ने पूछा कि दोस्ती का मतलब क्या है, तो भगवान उत्तर देते हैं कि जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती ही कहाँ होती है। तो कुछ इसी तरह होता है, ऐसे लोग कई बार देखा गया है प्रायः कहीं ना कहीं स्वार्थ में फंस के और पैसों के प्रति चूंकि बहुत संजीदा होते हैं, कहीं ना कहीं व्यापार के कारण या कहीं ना कहीं स्वार्थ में फंस के अपने निजी रिश्तों को ये कहीं ना कहीं बिगाड़ लेते हैं, खराब कर लेते हैं। ऐसे जातकों को चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अपने अंदर की दान की वृत्तियों को ज़्यादा जोर दें, क्योंकि संग्रह करना उनकी एक आदत में शुमार हो जाता है। कहीं ना कहीं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो दान दे सकें, लोगों की भावनाओं से जुड़ सकें। हर चीज़ पैसे से प्राप्त नहीं की जा सकती है। मिथुन राशि। जब हम मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन बुध की स्वयं की राशि है,
तो निश्चित रूप से यहाँ बुध बलि हो जाते हैं। ऐसे जातकों में प्रायः ये पाया गया है, मिथुन राशि में जिनका बुध संचरण करता है, कि उनके पास बहुत सारे विचार आते हैं, परंतु उन विचारों का करें क्या उनको नहीं पता होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग विचारों में ही फंसे रह जाते हैं, उन विचारों को कभी कृत में या एक्शन में परिवर्तित नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि आप जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को कृत में या एक्शन में परिवर्तित जरूर करें। ऐसे जातकों को प्रायः ये महसूस होता है कि उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक कमी है, और वो कमी वो ढूंढते हैं किसी दूसरे में। उन्हें लगता है कि उन्हीं के जैसा कोई और व्यक्ति है इस दुनिया में, और जब वो उन्हें मिल जाएगा तो वो संपूर्ण हो जाएंगे, वरना वो अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। पर समस्या विषय ये होता है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप में अनोखा है, यूनिक है, उस जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं होता। और ये कहीं ना कहीं ये सोच, ये चाह कि बिल्कुल उनके जैसा दूसरा व्यक्ति उन्हें मिल जाए, ये मृग मरीचिका की तरह होता है, जो कि कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है किसी विषय विशेष में आपको आपकी तरह सोचने वाला एक व्यक्ति मिल जाए, लेकिन पूर्ण रूप से आप ही की तरह के व्यक्तित्व वाला दूसरा व्यक्ति ये प्रकृति उत्पन्न नहीं किया है। इसलिए उसको ढूंढने की जगह, उसको पाने का प्रयास करने की जगह आपको अपने अंदर ही वो पूर्णता तलाशनी होगी। क्योंकि ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनका एक हिस्सा है जो कहीं बाहर है, और वो हिस्सा वो बाहर ढूंढते रहते हैं। कभी कुछ मिल जाता है तो कभी कुछ मिल जाता है, परंतु पूर्ण रूप से वो हिस्सा कभी उन्हें महसूस नहीं होता, क्योंकि वो हिस्सा खुद उन्हीं के अंदर है और वो उसे बाहर ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे जातकों के साथ जीवन में देखा गया है कि उन्नति रात दूनी दिन चौगनी करते हैं, बहुत सरलता से जीवन में करियर के क्षेत्र में सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि चूंकि उन्हें जीवन में बहुत सारी चीजें सरलता से प्राप्त हुई हैं, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इन मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए। ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करने से, बुधवार को व्रत रखने से कहीं ना कहीं उनको शांति प्राप्त होगी। बहुत जरूरी है ऐसे जातकों को कि जब भी कहीं ना कहीं अपने अंदर उन्हें किसी प्रकार का अवसाद महसूस हो, तो दूसरों से बात करके या ऐसे लोगों से बात करके जो उनकी बात समझते हो, उनसे बात करके उनको अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा। ऐसे लोग बहुत प्रबुद्ध लेखक होते हैं, राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। इसलिए ऐसे जातकों को लेखन क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं बहुत उन्नति मिलेगी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक या कर्क राशि में जब बुध ग्रह होता है, तो ऐसे जातकों को एक विशेष गुण प्राप्त होता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, यानी कि बुद्धि के विषय में कई बार वो समझ लेते हैं जो आपने कहा होता है, मतलब कहने के पीछे के भावार्थ को। कभी कभी जो कहा जाता है वो मतलब नहीं होता है, और जो नहीं कहा जाता है वही असली अर्थ होता है। ऐसे जातकों के पास विशेष प्रतिभा होती है जो नहीं कहा गया है उस अर्थ को जानने की। साथ ही साथ देखा गया है कि ऐसे जातकों के अंदर बहुत ज्यादा उनके मूड स्विंग्स होते हैं। कहीं ना कहीं देखा गया है कि कभी वो बहुत खुश महसूस होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा वो अपने आप को अवसाद या डिप्रेशन में पाते हैं। इसलिए उनका जो मूड है, जो मन है, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के पास एक विशेष कला होती है दूसरे की कला को कहीं ना कहीं अपनाने की। वो एक बार दूसरे को कृत करते हुए देख लेंगे और उसको एज इट इज दोबारा रिपीट कर सकते हैं। जो लोग मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, दूसरों की नकल उतारते हैं, आप देखते होंगे कई ऐसे लोग हैं, टीवी शोज आते हैं, जो कितने सारे एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और सबकी आवाज हू ब हू आवाज उतार देते हैं,
या उनकी कहीं ना कहीं जिस तरह वो भाषा शैली है, बोलने की शैली है, उसको हूबहू उतार लेते हैं। कर्क राशि में अगर आपका बुध होता है तो ऐसे जातकों को इस विधा में, मिमिक्री की विधा में, बहुत विशेष आप कह सकते हैं प्रतिभा प्राप्त होती है। ऐसे जातक एक बार किसी चीज को अगर देख लेते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में वो चीज आ जाती है और उसको हूबहू वो उस तरह दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ऐसे जातक कहीं ना कहीं बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, उनको पुरानी से पुरानी बात भी स्पष्ट रूप से याद रहती है। हो सकता है आपने ये बात कई सालों पहले कही हो और वो आपको सा अक्षर आप ही की कही बात आपको याद दिला सकते हैं जो आप स्वयं भूल चुके होंगे। ये उनकी विशेष प्रतिभा होती है। तारीखों के मामले में जैसे कि कई लोग होते हैं, हम जानते हैं किसका कब जन्मदिन है, कब एनिवर्सरी है, उन्हें सब याद रहता है। वो दूसरों को भी बताते हैं कि हाँ आज आपके मित्र का जन्मदिन है, आज आपके मित्र की एनिवर्सरी है, क्योंकि वो डेट्स के मामले में उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। जरूरी क्या है कि यहाँ पे ऐसे जातकों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की ओर जाता है तो ऐसे जातकों के अंदर देखा गया है उनकी भावनाएं भी ओतप्रोत होती हैं, खासकर अमावस्या या पूर्ण चांदनी के दिन या पूर्णिमा के दिन। इसलिए ऐसे जातकों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। सिंह राशि, जब बुध सिंह राशि में आता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही आप कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बहुत खुले हृदय के लोग होते हैं, बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं ऐसे लोग, और खुल के हृदय की बात आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ देखा गया है कि ये बहुत अच्छे नेतृत्व क्षमता इनके अंदर होती है, लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता होती है, और ये उनमें से होते हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लीडर बनते हैं हु लीड बाय एग्जाम्पल, माने उदाहरण से अपने आप को नेतृत्व करते हैं। पहले वो खुद वो कृत्य करेंगे, तब वो चाहेंगे कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उस कृत्य को करें। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं बुध सिंह राशि में बहुत अच्छा फल देता है। इन लोगों के पास आप ये कह सकते हैं जो आशावादी है, एक स्वभाव होता है इनके पास, गजब का आशावादी स्वभाव होता है। जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, लेकिन इनका जो आशावादी स्वभाव होता है इनको जीवन में कभी भी गिरने नहीं देता है, और ये इनकी सबसे ज्यादा ताकत होती है। कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को जो सावधानी रखने की जरूरत होती है वो ये होती है कि कहीं ना कहीं ऐसे जातक की बुद्धि में कहीं ना कहीं दिखावे की भावना बहुत अधिक रहती है। वो करना तो चाहता है, पर वो चाहता है कि वो तब करे जब 10 लोग उस चीज को देख रहे हैं। अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो उस कृत्य को नहीं करना चाहता है। कहीं ना कहीं एक ऑडियंस की चाहत कि लोग उसके परफॉर्मेंस को, उसके आर्ट को सराहें, कि लोग उसकी तारीफ करें, ये बहुत ज़्यादा चाह होती है। कभी कभी तारीफ ना मिलने पे वो हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को जानना चाहिए कि वो काबिल हैं और उनकी काबिलियत को कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है उससे वो अपने आप को ना नापें। वो काबिल हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ऑडियंस कभी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करती है, कभी अप्रिशिएट नहीं भी करती है। वो अपने कार्य में सतत रूप से लगे रहेंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में भी होंगे अग्रणी बनेंगे। कन्या राशि, जब कन्या राशि में बुध ग्रह होता है तो यहाँ पे बुध ग्रह उच्च का हो जाता है। ये इकलौता ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि कन्या में उच्च का होता है। यहाँ पे बुध की जो प्रवृत्ति होती है वो बुद्धि की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरों को मदद करना चाहता है। वो कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा करके ही उसे आनंद मिलता है। पर ये भी देखने में आया है प्रायः कि कहीं ना कहीं वो अगर आपकी मदद करता है तो आपसे अपेक्षा भी करता है कि आप भी उसकी मदद करें। कहीं ना कहीं एक हाथ दे तो एक हाथ ले की भावना उसके अंदर हमेशा रहती है। अगर वो आपके बुरे समय पे खड़ा हुआ है तो
तो अपेक्षा हमेशा करेगा कि आप भी उसके लिए सदैव प्रस्तुत रहें, खड़े रहें। इन लोगों को एक विशेष चीज पता होती है कि जो सत्ताधीश है वो सबसे ताकतवर नहीं होता। जो सत्ताधीश को सत्ता तक पहुंचाता है, असली ताकत उसके पास होती है। और हमेशा ये लोग को प्रयास करते हैं ऐसे लोग बने जो लोगों को सत्ता के निकट पहुंचाएं, या प्रायः देखा गया है ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। वो कहीं ना कहीं कैमरे के सामने तो नहीं होते, लेकिन कैमरे के पीछे हर चीज़ को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ऐसे लोग अगर आपको मिले तो कहीं ना कहीं जो आपकी पीआर स्किल्स हैं या पब्लिक रिलेशन है, उसको कहीं ना कहीं ये काफ़ी सुदृढ़ करने में बहुत लाभदायक हो सकते हैं। इनके जीवन में कहीं ना कहीं उनको हमेशा से महसूस होता है कि ये कभी भी रोगग्रस्त हो सकते हैं। रोग हो चाहे ना हो, लेकिन एक तरह की भावना उन्हें हमेशा घेरी रहती है कि मुझे कहीं रोग ना हो जाए, और इस भावना के कारण वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चिंता में अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना अत्यंत आवश्यक है। इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर कोई, तो वो उनकी बहनें होती हैं। बहनों से इनका जुड़ाव विशेष होता है और बहनें इनके जीवन में बहुत विशेष भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ मित्र भी इनके जीवन में अति महत्वपूर्ण होते हैं।